अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबके दुआओं से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर मैं बना रही थी कढ़ी का सालन, जुमे का दिन है, आज मशीन वगैरह लगाई थी, काफ़ी काम घर में फैला हुआ था, तो जो है सुबह से ही मैं लग गई थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। मेरी किचन की सफाई, क्योंकि हो सकता है कि कल भी रोज़ा, कल नहीं तो परसों तो लाजमी रोज़ा होगा, इतवार वाले दिन दो रोज़े की तैयारी वगैरह में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं कढ़ी भी तैयार कर रही थी, कपड़े वगैरह मेरे धोए। हो सकता है कि आज कारपेंटर भी आए, और जो है जो हमारे जो है खिड़की है उसका जो है मिरर लगे था वो भी लगाना है, दीवारों पर भी हमें लगवाने थे जो है शीशे। यहाँ पर दही मैंने घर में ही जमाई थी, बहुत ही यम्मी जो है हमारी कढ़ी तैयार हुई थी, और हमने रोटी भी साथ बनाई थी, और कुछ जो है हमने सफ़ेद चावल बनाए थे, और जो है यहाँ पर पकौड़े फ्राई करूँगी, पकौड़े भी हमारे घर में आप लोगों को जैसे पहले मैंने बताया है कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि जो है कढ़ी में भी डालती हूँ और कढ़ी के बगैर भी हमारे बच्चे जो है खाते हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत सारे पकौड़े जो है वो भी तैयार कर दी थी, कढ़ी भी तैयार कर दी थी माशाल्लाह से। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है, और रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो इस बरकतों वाले महीने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो पकौड़े बनाए तो उसी ऑयल में जो है मैंने जो कढ़ी का जो दाग होता है वो तैयार किया था। अच्छा, मैंने जो है बहुत एहतियात से जो है दाग जो है लगाया था इसमें कढ़ी में, और उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि पहले भी मेरा हाथ जो है थोड़ा साइड से जला हुआ है, तो मुझे जो है खौफ हो रहा था, क्योंकि अगर हाथ वगैरह जल जाता है या कट जाता है तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जो काम करने में परेशानी होती है वो अलग होती है। तो इस वजह से बहुत एहतियात से जो है दाग जो है तैयार करके, और मैंने जो है आराम से चूल्हा बंद करके दाग जो है कढ़ी में डाल दिया था, ताकि जो है, और वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा हाथ जो है परसों में जो है कबाब फ्राई कर रही थी, तो यहाँ से ऑयल का जैसे ही मैंने कबाब डाला ऑयल में, तो वहाँ से जैसे ही मेरे हाथ में छींटे लगे तो यहाँ से मेरा हाथ जो है जल गया था, और फिर पानी वगैरह में काम होता है तो ज़ख़म जो है ख़राब हो जाता है। फिर यही बात है कि तकलीफ़ तो होती है लेकिन काम में कम जो है बहुत परेशानी होती है, तो यहाँ मैंने दाग तैयार कर दिया। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं हमारी कढ़ी जो है यम्मी सी वो तैयार हो गई है, किस किस को खानी जिसको भी खानी वो आ सकते हैं। और दूसरा, फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए थे वो भी मैंने ला कर रख दिए अंदर जो हैं बरामदे में, जो बाद में शाम के टाइम पे लपेट के रखने हैं, और पर्दे वगैरह भी उतरे हुए हैं, बेडशीट उतरी हुई है, सारा काम अभी जो है शाम के टाइम पे होगा। हो सकता है सुबह रोज़ा होगा, रोज़ा होगा तो ज़्यादा जो है और भी ज़्यादा काम होगा, अगर रोज़ा नहीं हुआ कल तो फिर कल के टाइम पे जो है, कल जो टाइम मुझे मिलेगा उसमें जो है मैं समोसा पट्टी जो है वो तैयार करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करूँगी, हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट बना कर रखूँगी। अच्छा, ये जो शीशा था ना खिड़की पर नहीं लगा था, ये आज कारपेंटर ने आकर ये लगा, क्योंकि एसी जो है बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा था, तो रमज़ान आ रहा है, तो इस वजह से हमने जो है यहाँ पर अभी कारपेंटर को बुला के यहाँ पे शीशा लगा दिया। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है अभी तक इसको जो है इस वाली खिड़की में, और जो है दरवाजे में जो अब तक कलर होना बाकी है। बस ऐसा ऐसा ही मेरे घर का अभी तक अभी तकरीबन काम चल ही रहा है, काफ़ी काम जो अभी भी रुका हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा घर जो है बिल्कुल जो है बुनियाद से नया बना, तो जो है हर चीज़ ऐसा ऐसा ही जो है सेट होती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो मैंने समोसे ले गया, ज़्यादातर मैं जुमे वाले दिन जो है काम वगैरह ज़्यादा करती हूँ, मुझे भूख भी इतनी नहीं लगती, मैं शाम के टाइम पर जो है समोसे वगैरह मंगा लेती हूँ। ये देखिए आप लोग कपड़े, ढेर सारे कपड़े मैंने आज धोए और खाना वगैरह तैयार किया, जुमे की नमाज़ अदा की, फिर जो कुछ देर जो है आराम किया, और शाम के टाइम पे हमें यहाँ पर जो है सोफ़े वगैरह में जो कवर है बेडशीट वगैरह डालनी है, पर्दे लगाने, ये शाम का टाइम अभी। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए ये शीशा जो है ये हमने लगवाया, एक हमने अपने रूम में लगाया, एक अपने बेटे के रूम, एक मैंने अपने बेटे के रूम पर लगाया। अल्लाह हाफिज़।